में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी, और आप लोग भी अच्छे रहें, खुश रहें, सलामत रहें, यही भगवान से दुआ करूँगी। और मैं सुबह सुबह ही निकल चुकी हूँ अपने खेत के लिए। किल्टा लेके, देखो किल्टा, आज सारा दिन का काम है तो सुबह सुबह ही निकल गई। अभी मेरी शिफ्ट है, मैं जा रही हूँ, उसके बाद हस्बैंड आएंगे। थोड़े से आज 5-6 लेबर लगा के रखी है, और सारा दिन कुछ काम है करने को। क्या काम है ये मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। और ये ले ली है मैंने हिंगड़ी। ये तो इस जिनको पता है मैं हिंगड़ी क्यों ले जा रही हूँ वो तो समझ ही गए होंगे कि किस काम आती है। जिनको नहीं पता है वो मैं दिन को लग जाएगा पता कि जो काम लगा है उसका उस काम के लिए आती है काम। तो चलिए मैं अभी पहुँचने वाली हूँ बगीचे में। वैसे समझ गए होंगे आप, पर तब भी थोड़ा सा सस्पेंस लिटिल। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे झाड़ियाँ काटनी हैं क्योंकि चलने में थोड़ा कंजस्टेड है। रास्ते में झाड़ियाँ आई है, घास तो खैर अभी नहीं काट सकती, बट जो झाड़ियाँ हैं उनको काट देती हूँ। थोड़ा थोड़ा कैंची लेके आई हूँ मैं प्रूनिंग की, तो ये कर लेती हूँ मैं काम। तो आज हो रहा है सेब का तोड़ान, उस साइड को हमने खाली कर दिया था, और यहाँ किल्टे भर के रखती है। मैं तो बैग ही पकड़ रही हूँ क्योंकि मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकती। सेब कैसे जुड़े? ये पूरा पजल गेम बनी है। यहाँ से हरे हैं, और इसमें देखो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से इसका बीमा, और ये सही पकड़े हैं। और रीता चली गई नीचे यहाँ निकालने। रीता यहाँ निकाल रही है, इन्होंने छोटा सा पेड़ खाली कर दिया निकाल के। ए है मन बहादुर, बहादुर सेब खाने के दिहाड़ी कटेगी। हाँ दिहाड़ी काटा गया बाबू। सेब में ये रॉयल है रेड वाला, और ये मॉलिश। ऐसा ना कश्मीरी सेब भी ऐसा होता है, ऐसा कलर होता है कश्मीरी सेब, पर ये होता है सबसे जूसी रॉयल। नहीं भी करेगा तो हो जाएगा ऐसा कुछ। हाँ तब कर देंगे ग्रेड करते हुए। आप कल से बोले नहीं थे, हमने सोचा आप हिंदी नहीं समझते। अब रीतन लगा दी पंजाबी गाने। बॉम्बे जा रही हूँ बोलते हैं बम्बई। भांग सु, भांग सुधा रहे। अब कॉली बना
पागल होगी आंटी ज्यादा भैया ग्रेडिंग कर रहे हैं पापा सफाई पापा साफ करो साफ कर रहे हैं आप हाँ छोटू यहाँ पे भर रहे हैं अभी रेड पेटी बना रहे हैं हाँ रेड है ना रेड है मतलब रॉयल बोलते हैं स्पोर्ट कट में मगर इसमें कलर कम होता है हाँ कलर कम होता है मैं मेरे को नहीं पता मेरे को तो हमेशा यही बोलती हूँ मेरे को तो सारे एक जैसे कलर लगते हैं सारे यहाँ रॉयल रखे छोटू ने पीछे ये भी रॉयल का है ये ग्रेडिंग करके रखा है अब संदीप का बनाते हो तो संदीप यहाँ ग्रेडिंग भी कर रहा है और भर भी रहा है और चमका भी रहा है भैया अपने ग्रेडिंग करके साइड में अब आराम से बैठे हुए अरे अपने अपने काम में बिजी देखिए जो ओले के दाग पड़े थे ना ओला पड़ा था जब ये हिलअप होके ना इसमें स्प्रे वगैरह करके सारा कुछ ये भर गया अब देखो बिल्कुल साफ है ये मतलब हल्का सा तो है मुहासा जैसा पर भर गया है वो जख्म अब पक्का दाग है ये सड़ेगा नहीं है बिल्कुल साफ लग रहा है अब इसके लिए सब रहे होता है कहीं कहीं है जहाँ ये नहीं हुआ बट ये देखो ये भर गया ऐसे भरता है जख्म एकदम से जैसे ओला पड़े और आप स्प्रे कर दो ये हो जाता है ऐसे जैसे जख्म भरता है आपके शरीर का वैसे इसका भी भरा है ये वाला एरिया निकालने को रहा है बाकी तो ऑलमोस्ट निकाल लिए हैं तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि हम लोग कैसे कैसे ग्रेडिंग करते हैं और कैसे पहले सेबों को निकालते हैं साफ करते हैं उनको और ग्रेडिंग करते हैं अलग अलग ग्रेड होती है उसमें ना लार्ज मीडियम स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल तो ऐसे ऐसे ग्रेडिंग होती है तो बस कुछ भरने को लगा के रखे हैं कुछ ग्रेडिंग कर रहे हैं कुछ साफ कर रहे हैं कुछ मतलब यही कोई ढो रहा है ऐसे ऐसे अलग अलग काम में लगे हैं सारे तो वो लोग पता नहीं कहाँ मैं आपको दिखा रही थी वो लोग जहाँ निकाल रहे हैं मैं वो दिखा रही थी अब पता नहीं काफ़ी दूर चले गए हैं शायद अब यहाँ निकाल रहे हैं ये आंटी का मुँह देखो बिंदी क्यों लगाई है अरे बिंदी रहना रहना अच्छा नमस्ते नमस्कार गुड बाय गुड बाय नहीं बोलना होता है अंग्रेजी नहीं बोलनी होती मैं कैसे बोल रही हूँ मैं ये देखो ये निकाल रहे ये कौन से वाला है ये रेड गोल्डन मेरे को पूछ पूछ के करना पड़ता है एक्चुअली क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहते इनके नाम सेबों के ये देखो ये निकाल रहे हैं यहाँ पे सेब ये रीता फोन पे बात करते हुए सेब निकालते हुए छाइना कतो फाल दे नीचे नीचे आंटी इसमें जरूरत नहीं है हिंगड़ी लगा के तो गिर जाएंगे इससे क्यों घने है ना ये लोगों को निकालने देती हूँ किसी को हाँ जी कौन सा टेढ़ा पेड़ हाँ पीछे घर के पास चलिए जी अब मैं भी निकलती हूँ गणेश जी भी आगे किल्टे लेके आंटी ढूंढ रहे हिंगड़ी वो जो मैंने एक हुक जैसी बताई थी ना आपको लकड़ी की फर्स्ट डे बताई थी कि ये क्या है वो हुक है जिसको आप ऐसे ग्रिप करते हो टहनी को और उससे काफ़ी दूर जो सेब होते हैं उनको ईजिली आप निकाल सकते हो तो काफ़ी लंबी होती है वो बनाई हुई ताकि उसको ग्रिप करके निकाला जा सके सेब क्योंकि नहीं तो टहनियाँ टूट जाती है अगर आप हाथों से ज़ोर से उसको खींचते हो तो टूट जाती है वो टहनी तो इसलिए वो ऐसे ग्रिप बनाने के लिए वो हुक जैसी बनाई होती है ऐसी हुक वो मतलब ऐसे पकड़ती है टहनी को तो ये था हमारा सीज़न का जो हर साल आता है लास्ट ईयर बहुत कम था इस साल भगवान की दया से तब भी ठीक है तो पर हमारा इंसानों का तो ऐसा होता है जितना मर्जी हो जाए तसल्ली कैसे भी नहीं होती हम सोचते हैं और मिले पर जितने में मिल रहा है ना उतने में खुश रहना चाहिए तो कुछ नई प्लांटेशन किए 3-4 सालों में ये सेब देने शुरू हो जाएंगे तो संभालने मुश्किल हो जाएंगे अभी थोड़ा कम है काम
हो, क्योंकि हमने ही सबने अब बस पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रूनिंग जो होती पेड़ों की ऊंचे पेड़ों में करना मुश्किल होता है सबके लिए, तो छोटे पेड़ लगा के रखे ताकि उसमें इजीली आप फ्रूट्स निकाल भी सको और प्रूनिंग भी हो सके उसमें, और केयर भी हो जाती है छोटे पेड़ों की। बड़े पेड़ों को, विशाल पेड़ होते हैं ना, उनमें मुश्किल होता है। जो पुराने पेड़ होते हैं 40-50 साल पहले के पेड़ हैं सीडलिंग वाले, तो वो पेड़ लाइफ तो उनकी काफ़ी लंबी होती है, बट उनको बहुत मुश्किल होता है उतनी दूर दूर तक प्रूनिंग करना या कुछ भी उसका काम करना, स्प्रे करना। छोटे पेड़ों में आप इजीली कर सकते हो, जो ये होते हैं रूट स्टॉक वगैरह होते हैं उनमें इजीली आप काम कर सकते हो। तो चलिए मैं काम करती हूँ घर में जाके, अब लंच भी तैयार करना है। घर से सब्जी वगैरह बना के ले आई हूँ, चपातियाँ वगैरह यहीं पर बनाऊँगी, चावल यहीं पर बनाऊँगी। मम्मी भी आने वाले हैं, बेटे की और भैया की भी क्लास लगी है, तो वो जितने में पहुँचेंगे उतने में मैं उन लोगों की कुछ हेल्प कर देती हूँ। आज मैं सुबह से बस खाना बनाने में बिज़ी थी और मैंने कुछ नहीं किया, थोड़े से सेब साफ़ किए आपके सामने अभी, और तो वीडियो बनाने के लिए आ गए। तो ये देखो गोल्डन, ये एक ग्रेनी स्मिथ नई वैरायटी चली है, वो भी ऐसी होते हैं पर वो उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, वो थोड़े से कलर अभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफर होता है। और ये भी पॉलिनेशन का काम करते हैं, पर ये जो ये होता है ना गोल्डन, ये सबसे ज़्यादा टिकता है ये, और जूसी भी बहुत होता है ये। ज़्यादातर जैसे जो नवरात्रे होते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो नवरात्रे होते हैं उनमें लोग इनको खाते हैं, तो ये बिकते हैं आगे जो सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रे आएंगे उसमें बिकते हैं ये वाले, नहीं तो इनको लोग ना बहुत कम खरीदते हैं, इसका कम रेट जाता है पता नहीं क्यों, और मेहनत तो इसमें भी इतनी हुई होती है जितनी और पेड़ों में होती है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये, इसकी साइज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा गोल्डन के पेड़ का, इतने इतने पेड़ को संभालना ठीक रहता है, बड़े पेड़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है।